जब मैं गाना गा रहा था स्टेज पे, वो स्टेज फियर जो रहता है, वो
बट वो हिम्मत करके मैं गाया। उसके बाद जब मैंने खुद का वीडियो देखा एंड मैंने अपने आप वॉइस को खुद जब सुना, तब मेरे को समझ में आया कि आई कैन डू मोर बेटर करके। तो वो मेरा सबसे पहला था मतलब लाइफ का मैक कॉलेज में जो मैं गाया था। बड़ा तो उसको कैसे कंपेयर किया आपने स्टडी को और सिंगिंग को, पैरेलल कैसे लाया इसको? एक्चुअली जो मेरे सर है, मैं नाम लेना चाहूँगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट मयंक अग्रवाल जो उनका नाम है, वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को। उनका ऐसा कहना है कि तेरा जो पैशन है, जो पैशन है उसको आप परस्यू कर लो, ठीक है। सीए एक्चुअली मैं फादर वांट्स कि मैं सीए बन जाऊँ, एक डिग्री रहे, तुम सेफ रहो आगे लाइफ में, इट्स बेस्ट ऑप्शन। हाँ, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं सीए कर रहा हूँ। तो अब सर जानते हैं कि जब जाएगा आता है करके, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को। तो उसके कारण अब मैं प्रैक्टिस कब करता हूँ, जब मैं ऑफिस से चले जाता हूँ घर, मेरी आर्टिकलशिप जो चल रही है, ऑफिस से जाने के बाद जब मैं घर जाता हूँ तो रात को मेरे को अराउंड हाफ एन आवर या वन एंड हाफ आवर टू आवर्स मेरे को टाइम जो मिलता है उसी में मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ करता हूँ घर में। बाकी पेरेंट्स अलाइक कि तुम डिग्री ले लो पहले, उसके बाद जो करना है सभी के पेरेंट्स यही सोचते हैं, वो अच्छी बात भी है। तो फ्रेंड्स बहुत सपोर्ट किए, तो वन ऑफ माय फ्रेंड वो मेरे को एक दिन रायपुर के ऑलमोस्ट हर कैफेज में लेकर गया, विरल जो मेरा फ्रेंड है, सारे कैफेज में ले गया एंड वहाँ पर जाकर मेरे वीडियोज वो वहाँ पर वो खुद से मतलब देख कर आया कि इसकी वीडियोज देख लो आप करके एंड ही इज अ गुड सिंगर, आप इसको अपने यहाँ पर, क्योंकि आजकल रायपुर में ये बहुत ज़्यादा चलन हो गई है, सिंगर्स की लाइव शोज वगैरह बहुत चल रहे हैं। तो लेवल थ्री के जो ओनर थे उनको वीडियो देखे, उनको अच्छा लगा मेरा वॉइस, तो वो वहाँ पर है मेरे को हर सैटरडे संडे के लिए। मतलब शाम को इवनिंग किया? इवनिंग इवनिंग अराउंड 8:30 स्टार्ट होता है शो। कितने घंटे तक? अब वो मेरे ऊपर है, क्राउड के ऊपर है, 3-4 घंटे, मैं कभी कभी 1-2 बजे तक भी जाता हूँ। अच्छा, बॉलीवुड के कई सारे सिंगर्स हैं, कई सारे सिंगर्स हैं जिन्होंने आपके वीडियोज को, जो आप वीडियोज बना के डालते हो उसको उन्होंने ट्वीट किया है, रीट्वीट किया है, शेयर किया है, इसके बारे में इसके पहले गाना बजाए, मतलब कोई भी आपका फेवरेट गाना, जब आप लेवल थ्री के भी बात कर रहे थे कि आप वहाँ परफॉर्म करते हो, तो वहाँ पर सबसे ज्यादा डिमांडिंग सॉन्ग जो हो, जिसकी डिमांड जो आप ज्यादा हो और आप जिसमें ज्यादा कंफर्ट हो, इसी में जो बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ में अभी हमारे टीम में जो मैं भाई हमारे जुड़े हैं शिवम त्रिपाठी जी, शिवम भाई की ये बेस्ट फ्रेंड है और उनके थ्रू यहाँ पे आए हैं। और एक चीज और ये है कि शिवम भाई हमारे साथ काम करते हैं अभी से, हम बहुत कम दिनों से जाते हैं लेकिन बहुत अच्छा गाते हैं और बजाते भी हैं बहुत बढ़िया। तो हो सकता है कि थोड़े दिन के बाद शिवम भाई यहाँ पे बैठे हो और किसी के इंटरव्यू ले रहे हो या वहाँ बैठे के इंटरव्यू दे रहे हो, तो ये नेक्स्ट सी देखते हैं क्या होता है। अभी बताएगा ये से भी खूबसूरत है तू।
I love you. ये सॉन्ग मैंने जब अपलोड किया था अपने ट्विटर में, आपकी आवाज सुनने के बाद मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आए और मेरे जो सवाल होते हैं मतलब इतना अच्छी आवाज मतलब इतने कम दिनों में, क्योंकि आपने इस तरह की मेहनत भी नहीं किया, जो मैं पीछे के आर्टिस्टों की बात करूंगी जो अपने गले को वो करने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो कैसे मतलब ये कहते हैं हो सकता है एक्चुअली माय मॉम इज बंगाली एंड दैट इज गुजराती के सुरीली आवाज है, तो हो सकता है कि बंगाली की वो सुरीली आवाज है, मतलब बंगालियों का रहता है बंगालियों का एस्पेक्ट। अगर मैं आपसे पूछूं थोड़ा और पीछे जाऊं, मैं आपके फैमिली मेंबर में जाऊं, तो कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेंबर में कोई सिंगर था? सिंगर नहीं थे एक्चुअली, माय फादर एंड माय ग्रेट ग्रैंडफादर, वो इंस्ट्रूमेंट उनको बहुत अच्छा प्ले करना था, वो नेचुरल म्यूजिकल फील्ड से है, मतलब वही वही कहने की चीज आई है आपके अंदर, ड्रीम होगा कि लाइफ में आगे क्या? एक तो ये है कि मेरे को शोज बहुत करने हैं और लाइव अवॉइड पूरा लाइव शोज मेरे को उसमें बहुत अच्छा लगता है, एंड ऑब्वियसली सबका ड्रीम रहता है कि बॉलीवुड में जाए, तो वो प्लेबैक सिंगर बनना वो तो ड्रीम है, एंड मेरे को नेचुरल कॉजेज में हेल्प करने के ज्यादा मन है, मतलब सोशली हेल्प करना लोगों की, मतलब जिसको जो नीड है, जो पुअर पीपल है, मेरे को उनको हेल्प करने का बहुत मन है, जो अपनी ड्रीम फॉलो नहीं कर पा रहे, जैसे मैं भी अगर देखा जाए तो कुछ समय पहले तक मैं अपनी ड्रीम नहीं पूरी कर पा रहा था, मतलब मैं शोज नहीं कर पाता था, डरा हुआ रहता था, लेकिन अभी धीरे धीरे स्टार्ट किया, तो अगर किसी को हेल्प चाहिए तो वो हेल्प कर पाऊँ बस मैं। तो जो आवाज डबिंग करके या उसके साथ छेड़छाड़ करके सोशल मीडिया में स्टार बन रहे हैं, तो क्या आप सोचते हो? मेरे हिसाब से ये सब चीज़ तो गलत है पहली बात, क्योंकि जो नेचुरल जिसमें हुनर है, जिसको शो करना है, वो फिर उसके कारण पीछे रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते, और वो चीज़ बहुत गलत लगती है मेरे को, तो वो चीज़ ना हो तो बेटर है। लेकिन इसके लिए हम लोग ये काम करना चाह रहे हैं, हम लोग ये काम शुरू करने वाले हैं, जितने भी सिंगर्स हैं यहाँ पर और जो लोग मशीन्स के और सॉफ्टवेयर के थ्रू अपनी अच्छी वॉइस बना के गाते हैं ना, उनको लाके हम पत्रिका में इंटरव्यू करेंगे, जो यूट्यूब में बहुत सारे उनके व्यूज जो मिलते हैं कुछ टाइम तक के लिए सर, अगर आप देखोगे तो ये उनका जो पीरियड रहता है ना लिमिटेड रहता है, कुछ टाइम के बाद ना वो फिर गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनके जगह फिर कोई और वैसे चीज नया ले जाता है, मतलब उनको हम बोल सकते हैं कि ये कुआं के बस उसी में रहेंगे। मेरा एक क्वेश्चन ये था, किसी भी न्यू कमर्स को एप्रिशिएट करने के लिए कितने यहाँ पे संस्थान या सेंटर्स या सिंगिंग म्यूजिकल ग्रुप है जो आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हर एक को ना एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। जैसे मैं आपको बताया, मेरे को अभी लिटरली अभी 2 से 3 महीना हुआ है कि मैंने अभी बाहर जाके शोज करना स्टार्ट किया है, तो और सीए में जब से मैं हूँ तो मेरे को बाहर के लिए इन सब चीज़ के लिए टाइम मिलता नहीं है, कि मैं कहीं से पता करूँ कहाँ क्या है नहीं है, तो ज़्यादा आइडिया तो है नहीं उसके लिए, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं स्टेट ही नहीं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ बाहर के देशों में। फिलहाल प्लान यही है कि मैं मार्च से मैं म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन करूं, पहले मैं प्रॉपरली ट्रेन हो जाऊं, उसके बाद मेरा मेन फोकस है कि मैं जो शोज होते हैं सिंगिंग कॉम्पिटिशन जो होते हैं उसमें जाके पहले पार्ट लूं, ताकि सिर्फ यही नहीं पूरी इंडिया में लोग मेरे को पहले तो ऐसा किसी के लिए वैसे ही देख रहे हैं हमारे ऑफिस में बाहर भीड़ लगी हुई है सारी लड़कियां आके सुन रही हैं यहां पे, तो ऐसा लाइक कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं अभी तक, तो ऐसा नहीं हुआ आई होप।
होपफुली आगे हो। देखो कहते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति के सक्सेस के पीछे किसी महिला का बहुत हाथ होता है। इनकी बेस्ट फ्रेंड का हाथ है, उन्होंने इन्हें बहुत सपोर्ट किया है। मैं बिल्कुल आगे चल के ये अभी जहां पर है उससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे, तो हो सकता है अभी तक का जो रिकॉर्ड है कहीं ना कहीं आपका दिल टूटेगा और आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे। ये सक्सेस के पीछे किसी ना किसी महिला का हाथ होता है, जो आपने बात बोली अपने दर्शकों को ना बिल्कुल 100% सही है। लेकिन उसमें ज्यादातर लोगों का दिमाग जाता है कि वाइफ, उसमें आपकी मॉम भी हो सकती है, आपकी सिस्टर भी हो सकती है, उसमें आपकी मतलब एक बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है, बेस्ट बड़ी जो आजकल सब चला वो भी हो सकती है। जय भाई हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हैं #followyourdreams, इनका पेज है फेसबुक पर, आप उस पर इनको फॉलो कर सकते हैं और इनके सारे वीडियो जितने भी हैं आप वहां पर देख सकते हैं। तो आप बहुत ज्यादा इजी है फॉलो योर ड्रीम्स, हैशटैग लगा दो, स्टार में कर लो। अपन फाइनल करें इससे पहले एक अच्छा सा गाना, मतलब आप मैशअप में एक हमारे दर्शकों को गाना सुना दे, उसके बाद हम फाइनल करते हैं। www.patrika.com आप लाइक करें। धन्यवाद।